पहुंच चुके हैं। उन्होंने टाटा नगर रेलवे स्टेशन और गोपाल मैदान का निरीक्षण किया। पीएम मोदी के इस प्रस्तावित कार्यक्रम को बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है, जिसमें तीन प्रमुख कार्यक्रम होंगे। सबसे पहले पीएम मोदी टाटा नगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम हर गरीब का अपना छत के तहत राज्य में 1,13,000 लाभुकों के खाते में आवास के लिए पहली किस्त जारी करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी का रोड शो और गोपाल मैदान में विशाल जनसभा भी होगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, जनता में भी, और जनता ने, कार्यकर्ताओं ने यह तय किया कि प्रधानमंत्री जी की एक विराट सभा और होगी और उसके पहले जनता और विभिन्न संगठन प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं, तो वे रोड शो भी करेंगे, जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे, जनता का आशीर्वाद भी लेंगे और एक विराट सभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी लगातार अपने अभियान को तेज करने में जुटी हुई है। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान शहर शहर पार्टी के संगठन को धार देने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर के बिष्टुपुर चैंबर भवन में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की गई, जिसमें सांसद आदित्य साहू, विद्युत वरण महतो सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान हेमंत सरकार और जेएमएम के साथ ही कांग्रेस पर जमकर बरसे, सरकार के जनता से किए वादे नहीं पूरे होने पर सवाल उठाए। ना बेरोजगार भत्ता मिला बेरोजगारी और ना रोजगार मिला, अब चुनाव आ गए तो नाटक कर रहे हैं। सिपाही की भर्ती अब तक कहां चले गए थे, 4 साल से किसने हाथ पकड़ा था, भर्ती तो होनी नहीं है, अब दौड़ा लो, इसलिए नाटक कर रहे हैं। और उनके इस नाटक की वजह से 16 नौजवानों ने अपनी जान गंवाई है, घुसपैठ डेमोग्राफी बदल रही है, आदिवासी बेटियों से शादी करके उनकी जमीनों को हड़पने का षड्यंत्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबको उजागर करेगी और जनता जान गई है इस ठगिया सरकार को, इसलिए हमारा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस कल दिल्ली में होगी कांग्रेस की बड़ी बैठक। दोपहर 3 बजे बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली में कल एक बड़ी बैठक होने वाली है, 3 बजे ये बैठक होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष जी बैठक करेंगे, और बैठक के बाद कैसे हम चुनावी समर में अधिक से अधिक मजबूती के साथ उतरे, गठबंधन में हम चुनाव हमें लड़ना है, कैसे हम गठबंधन को भी मजबूत करें, हमारी जो जन समर्थित कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसको हम कैसे जनता तक पहुंचाने का काम करें, तो इन तमाम मुद्दों पर जो है कल विचार विमर्श होगा और अपने शीर्ष नेतृत्व का जो है दिशा निर्देश प्राप्त होगा। तो झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी काफी तेज हो चुकी है, कांग्रेस ने भी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश आज चाईबासा पहुंचे, उनके साथ पूर्व विधायक जयप्रकाश भाई पटेल भी मौजूद रहे। चाईबासा पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चाईबासा के कांग्रेस भवन में आयोजित संवाद आपके साथ कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी किया। 26 तारीख से विभिन्न जिलों का हम लोग दौरा कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बातों को सुन रहे हैं और जो भी फीडबैक हम लोग को मिल रहा है सारे चीज को हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं और उसी के आधार पर फिर हमारी बहुत जल्दी मैनिफेस्टो कमेटी का भी गठन होगा, उसमें हम लोग उन सारे विषयों को रखने का काम करेंगे। गुआ शहीद दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि पूरे परिवार को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। मेरे पीछे पड़े हैं 7 पूर्व सीएम जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी ने कहा मुख्यमंत्री पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में हैं, जनता से सहानुभूति लेना चाहते हैं।
गोवा सरहदी स्थल पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य है मीडिया के माध्यम से पता चला है और ये वक्तव्य उनकी बौखलाहट दर्शाती है। चूंकि अब समय नहीं है, जनता के बीच में उनको जाना है तो आखिर किस मुंह से जाएंगे, 5 साल तो कुछ किया धरा नहीं, तो ये एक तरह से बौखलाहट है और एक चुनावी पृष्ठभूमि आप कह लीजिए कि इसी बहाने वो जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं, जनता की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से उटपटांग बातों से जनता की सहानुभूति किसी को मिलती नहीं। और अगली खबर आपको धनबाद से बताते हैं जहां गोल्फ ग्राउंड में मासस और माले विलय एकता रैली आयोजित किया गया जिसमें माले मासस के केंद्रीय पदाधिकारी सहित हजारों कार्यकर्ता पहुंचे। एकता रैली को लेकर जिला पुलिस प्रशासन की ट्रैफिक व्यवस्था फेल नजर आई, शहर में जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। धनबाद गोल ग्राउंड में मासस और माले का विलय एकता रैली किया जा रहा है और इस रैली में हजारों हजार कार्यकर्ता पहुंचे हैं। वहीं धनबाद में अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन की ट्रैफिक को लेकर जो तैयारी थी वह पूरी तरीके से फैल है। लूबी शंकर रोड और कंबाइंड बिल्डिंग तक पूरी तरीके से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है और गाड़ियां अब जो है सो रेंग रही है और इस जाम में स्कूल के बस भी फंसे हुए हैं। वहीं कई सवारी गाड़ियां और छोटे बड़े निजी वाहन वाले भी फंसे हैं। घंटों तक यहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। वही ट्रैफिक के जो पुलिस जवान है इस ट्रैफिक को क्लियर कराने में जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो धनबाद जिला की जो ट्रैफिक व्यवस्था थी एकता रैली को लेकर वह कहीं ना कहीं फैल हो चुकी है क्योंकि अब लोग जो है इस जाम में फंस कर परेशान हो रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। खबर जामताड़ा से है जहां सभी प्रखंडों के पंचायत एवं नगर निकाय के वार्ड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत शिविर आयोजित किया गया। नाला प्रखंड के टेसजोड़िया में आयोजित शिविर का झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने निरीक्षण किया और कहा सरकार आपके द्वार आई है, आप लोग इसका लाभ उठाएं। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। झारखंड के परिवेश के अनुकूल और इनका आर्थिक उन्नति के लिए, झारखंड में बसे हुए आदिवासी मूलवासी का विकास के लिए जो भी योजना है उस योजना का फायदा उन तक पहुंचाने के लिए सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम रखा गया है। सरयू राय के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोप है कि सरयू राय जब खाद्य और सार्वजनिक आपूर्ति मंत्री थे तो उनके कार्यकाल में 3,38,00,000 से ज्यादा की गड़बड़ी की गई, जिस पर सरयू राय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। जो बातें 5 बार पहले कही गई हैं वो इसमें दोहराई गई हैं और इसमें एक चीज यही जोड़ा गया है कि खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने फाइल पर आदेश किया है कि मेरे ऊपर FIR किया जाए, मगर विभाग ने FIR नहीं किया। ये इस FIR में लिखा हुआ है और जब उनके विभाग ने FIR नहीं किया तो उन्होंने खार खाकर किसी एक आदमी को खड़ा किया। मैं पिछले 3 साल में विधानसभा में सबूत के साथ बन्ना गुप्ता के खिलाफ कई आरोप लगाए, निर्णय हुआ कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, वो नहीं हो रहा। इसका मतलब कि हमारे मुख्यमंत्री जी ही उनको संरक्षण दे रहे हैं, इसीलिए उनका मनोबल और बढ़ते जा रहा है। मगर झूठ का पुलिंदा इसमें है, अर्ध सत्य है, आधी बातें छुपाई गई हैं, आधी बातें कही गई हैं। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की। हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों ने मनीष जायसवाल के सामने 6 सूत्री मांगे रखी हैं, जिसके बाद मनीष जायसवाल ने विभागीय मंत्री हफीजुल हसन से सफाई कर्मियों से वार्ता करने की बात कही है। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि उनकी कुछ मांगे पूरी तरह जायज हैं। बता दें कि पूरे राज्य के सफाई कर्मी पिछले 23 अगस्त से हड़ताल पर हैं, जिसका असर अब शहर में दिखने लगा है और शहर कूड़ेदान में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। राज्य व्यापी हड़ताल 28/8/2024 से पूरे राज्य में है। 6 सूत्री मांगों को लेकर तो वो आज 6 सूत्री मांग का जो
पत्र था, आज हम लोगों ने अपने हजारीबाग सांसद को दिए और उन्हें आश्वासन भी दिए और मंत्री से भी बात की और सेक्रेटरी से भी बात की कि आप लोग टाइम ले लीजिए और डायरेक्ट आप लोग जाकर बात कीजिए। तो 18 दिन से हड़ताल चल रहा है निगम के कर्मियों का, तो हम लोग कल मिल करके इनसे बात किए थे कि आज हम लोग बैठ करके कुछ पहल करें, ये कैसे खत्म हो सकता है। इनका एक डिमांड है, कुछ डिमांड इन्होंने दिया है, कुछ डिमांड बहुत जेन्युइन है और बहुत सरकार को कंसिडर करने जैसा भी है। धनबाद के भौरा में यूनाइटेड कॉल वर्कर्स यूनियन असंगठित मजदूर की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस मिलन समारोह में सांसद ढुल्लू महतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मिलन समारोह में सांसद ढुल्लू महतो ने बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि पेलोडर लोडिंग को बंद कर मैनुअल लोडिंग शुरू करें, पानी बिजली की सुविधा लोगों को नहीं को दिया जाए, नहीं तो बीसीसीएल कोलियरी का कोयला उत्पादन को बाधित करेंगे। आज 8-9 साल से मैनुअल लोडिंग को हटाकर रोजगार को छीनकर बेरोजगार बनाने का काम किया और यहाँ के मजदूर जो छीने जाता है, ढुल्लू महतो उठा रहा है, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा उठाने जा रहा है और इसको हर हाल में बीसीसीएल को करना होगा, किसी भी कीमत पर करना होगा। जब तक किसी के नहीं करेगा तो बीसीसीएल को नहीं चलने देंगे। इसके लिए कुछ भी हो जाए, कोई आउटसोर्सिंग चले, कोई कोयला उत्पादन नहीं होगा। और झारखंड में आदिवासी और हिंदुओं के धर्मांतरण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पैसे का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है। ताजा मामला हजारीबाग के इचाक प्रखंड से सामने आया है, जहां सत्संग सभा के नाम पर चंगाई सभा की जा रही थी और इसी सभा में लोगों को ईसाई बनाने का खेल चल रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि असिया गांव में सुनीता भारती, सुधीर कुमार और उसके सहयोगी सनातन के नाम पर सत्संग कर रहे थे, जिसमें दर्जनों गांवों की महिलाएं आई थीं और बंद कमरे में धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया जा रहा था। इसी को लेकर स्थानीय और गांव वालों के बीच नोकझोंक भी हो गई। धर्मांतरण को लेकर गांव वालों में काफी नाराजगी है और उन्होंने इस पर शिकायत दर्ज करने की भी बात कही। सनातन परमेश्वर का हमेशा हम लोग आराधना पूजा करते हैं, ठीक है ना, और आप लोग आए डायरेक्ट आकर के धक्का मुक्की करना शुरू कर दिए। ये धक्का मुक्की आप लोग को आना चाहिए था, प्रथम में आकर के बात विचार करना चाहिए था। क्यों तो मैं एक व्यक्ति भी शैतान से परेशान है, ग्रस्त है, उस व्यक्ति जब भी आता है करिया कूटता है, जब भी आता है यहाँ पर आने समय बिल्कुल ठीक रहता है, जब भी आता है, जब भी हम लोग पूजा अर्चना प्रार्थना विनती भजन करते हैं, शैतान परेशान हो जाता है। आप लोग आए और बिना पूछे बिना ये किए सब कुछ आप लोग धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया, ये कहाँ का नियम है आप लोग का? चंगा जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसको परमेश्वर ठीक करते हैं। तो हम लोग जानने का प्रयास किए कि दुख दर्द कैसे ठीक होता है, तो वो लोग बता रही थी कि हमारे घर में किस तरह का समस्या आता है, धन से जुड़ा हुआ, पैसा से जुड़ा हुआ, तो ये लोग हम लोग को मदद करते हैं। तो बोले उसके बदले में आप लोग क्या चीज करते हैं, तो उसके बदले में हम लोग को बताया जाता है कि आप आइए यहाँ पे सत्संग के माध्यम से, और सत्संग के माध्यम से आने के बाद धीरे धीरे हम लोग को बताया जाता है कि इन्हें प्रसाद नहीं खाना है, पूजा नहीं करना है, छठ में नहीं जाना है, ये सब घटना है। तो हम लोग उन महिलाओं को समझाने का प्रयास किए, ये हिंदू धर्म में कहीं नहीं बताया गया है कि आप छठ मत कीजिए, आप प्रसाद मत खाइए। पिता परमेश्वर के नाम पर यहाँ चंगाई सभा चलाई जा रही है और लोगों को झूठा प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप मेरे पास आइए, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, यदि निसंतान है तो आपको संतान हो जाएगा। जब हम लोग को ये पता चला तो हम लोग आज असिया गांव में पहुंचे हुए हैं और जो संचालन कर रहे हैं करते हैं उनसे हम लोग ने बातचीत किया है, और बातचीत करने के बाद यहाँ के ग्रामीणों का भी बहुत सहयोग रहा है। वो बंद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो, इस तरह का आडंबर जो फैलाया जा रहा है हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ जो आडंबर चल रही है पूरे इचाक प्रखंड में, उसको खत्म करवाने का काम कर रहे हैं। देखिए हजारीबाग के इचाक प्रखंड अंतर्गत कई गांव में धर्मांतरण के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो देखिए हजारीबाग का जो यह असिया गांव है और यहां पर जो है सत्संग के नाम पर चंगाई सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें 50 से भी अधिक जो महिलाएं और पुरुष है वो शामिल हुई थी। जब इसकी जानकारी जो है स्थानीय लोगों को, सनातन परिवार को मिली, उसके बाद जो है कुछ लोगों ने जाकर समझाने बुझाने का काम किया, उसके बाद जो है आपस में वे सभी जो है उलझ गए हैं।
ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पे जो है लगभग 5 वर्षों से भी अधिक से जो है चंगाई सभा का आयोजन किया जाता रहा है। जब भी इसकी विरोध होती है तो आपस में लोग उलझ जाते हैं, लेकिन गौरतलब देखने वाली बात यह होगी कि आए दिन जो है धर्मांतरण के मामले इस क्षेत्र में लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। लोगों को जो है वो सीधी सादी महिलाओं को टारगेट में लिया जाता है और उसे जो है धर्मांतरित किए जाते हैं। लेकिन अब देखने वाली यह भी बात होगी कि इसको लेकर जो सख्त कानून बने हैं यह कब तक जो है वो लागू हो पाता है, धर्मांतरण करवा रहे हैं वैसे लोगों पर कब तक कार्रवाई हो पाती है। सुशांत सोनी न्यूज 18 हजारीबाग। और यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।